हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज इस सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉक्स बेस्ड पजल का एक सवाल आपके लिए लाया हूं। ये सवाल आज की IBPS PO प्री 2018 की 13 अक्टूबर मतलब आज की शिफ्ट में पूछा गया एक सवाल था। बॉक्स बेस्ड के जो पजल्स हैं इससे पहले मैंने आपको खूब प्रैक्टिस करवाई है और उसी पे बेस्ड आज एक शिफ्ट में 13 अक्टूबर के IBPS PO प्री के शिफ्ट में पूछा गया था, तो वही सवाल देख लेते हैं। क्या सवाल था? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन दिया गया है? 9 बॉक्सेस पी से लेके एक्स तक आर प्लेस्ड वन अबव अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब कुछ नहीं, एक बॉक्स दूसरे के ऊपर रखना है हमें और 9 ऐसे बॉक्सेस है और उन सभी का नाम दिया गया। ओनली 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पी एंड आर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, दो केस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन है P और R के बीच में 5 बॉक्सेस हैं। तो सबसे पहले केस 1 बनाते हैं। किस तरह बनाएंगे? पहले P को ऊपर रखते हैं और बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 1, 2, 3, 4 और फाइनल 5। और यहां पर क्या है आपका? R है। ये तो हो गया आपका केस 1। अब केस 2 वो बनाएंगे जिसमें R ऊपर रहेगा और P नीचे रहेगा। तो R देन 1, 2, 3, 4, 5 और फाइनली आ गया आपका P। तो दो केसेस के साथ स्टार्ट किया है, घबराने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी खूब प्रैक्टिस की हमने। चाहे बॉक्स बेस्ड पजल हो, फ्लोर बेस्ड हो, मंथ बेस्ड हो, केसेस बनाने के पहले से हमारे ऑलरेडी हमने खूब प्रैक्टिस की है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। टी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव आर। आर के जस्ट ऊपर किसको प्लेस करना है हमें? टी को। तो टी आ जाएगा आपका यहां पर। केस वन में टी को जस्ट ऊपर प्लेस कर दिया और आर के जस्ट ऊपर आपके यहां पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। चलिए टी को भी प्लेस कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे। Only 3 boxes are placed between T and S. T और S के बीच में सिर्फ 3 boxes हैं। तो 1, 2, 3 then यहां पर क्या आ रहा है आपका? S आ रहा है। ऐसे इसमें भी प्लेस कर लेते हैं, 1, 2, 3 फिर क्या आ रहा है? S आ रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। As many boxes placed between P and S as are between Q and T. P और S के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने Q और T के हैं। तो यहां पर P और S के बीच में एक भी बॉक्स नहीं है, तो यहां भी Q और T के बीच में एक भी बॉक्स नहीं है। तो Q जस्ट ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे ऑलरेडी R फिक्स है, तो ऊपर Q आ गया। चलिए इसमें देख लिया, इसमें T और S में कितना फर्क है? 1, 2, 3 बॉक्स का। तो P और S में देखना था 1, 2 बॉक्सेस का है, तो Q और T में भी 2 बॉक्सेस का हो जाएगा। तो 1, 2 और Q आ जाएगा आपका यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। U इज प्लेस्ड बिलो Q बट नॉट एट बॉटम। U Q से नीचे रहेगा पर बॉटम में नहीं रहेगा। U Q से नीचे रहेगा पर बॉटम में नहीं रहेगा। अब गिन लेते हैं कितने बॉक्सेस हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात है, तो नीचे रह सकता है, 8 यहां पर भी आ सकता है, और अगर यहां पर आएगा तो U यहां पर सेट हो जाएगा और उसके नीचे एक प्लेस और आना चाहिए। क्यों? क्योंकि U बॉटम में नहीं है। केस 1 में तो सेट है। अब केस 2 में देख लेते हैं हम। क्योंकि नीचे यहां पर भी U आ सकता है, यहां पर भी U आ सकता है। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके नीचे भी एक प्लेस बन सकता है अगर सबसे ऊपर नहीं बनता है। तो अभी इस इंफॉर्मेशन को इस केस के लिए होल्ड पे रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन टी एंड यू। टी और यू के बीच में मोर देन 4 बॉक्सेस होने चाहिए। तो केस 1 में तो सर U को हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया था, पर इसके बीच में तो एक ही बॉक्स आ रहा था। इसका मतलब केस 1 क्या हो गया है? एलिमिनेट हो चुका है। इस इंफॉर्मेशन के साथ ये केस एलिमिनेट हो गया। केस 2 में देखते हैं। मोर देन 4 बॉक्सेस बोला है, तो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 तो 5 तक होना चाहिए। तो या तो U यहां पर आएगा या तो U उसके भी नीचे आएगा। तो इसको एक बार होल्ड पे रख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, एक बार के लिए होल्ड पे रख देते हैं। चलिए आगे क्या बोला था। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में कितने बॉक्स आने चाहिए? जल्दी बताएंगे, यू और वी के बीच में कितने बॉक्स होने चाहिए? कम से कम एक बॉक्स होने चाहिए। तो अगर यू को हम यहां सेट कर देते हैं, अगर यू यहां सेट होता है, जिसका मतलब है टी और यू के बीच में कितने होंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। तो केस बेटर है। अगर U यहां होगा तो V कहां जाएगा? V सबसे नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा आपके V आ जाएगा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है जब U यहां सेट होगा। ठीक है, U जब यहां सेट होगा तो V कहां जाएगा?
यहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसा कहीं कुछ बोला हुआ था क्या कि यू बॉटम में नहीं होगा? क्लियरली सर यहाँ पर बोला गया था यू बॉटम में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यू यहाँ पर सेट नहीं हो सकता, तो यू की पोजिशन सिर्फ यही होगी और वी की यही होगी। चलिए सर एक फाइनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक्स अबव डब्ल्यू आएगा और कोई बॉक्स बचा भी नहीं है, सिर्फ एक्स और डब्ल्यू बचे और दो ही हमारे पास प्लेसेस बचे हैं। एक्स क्या है? अबव डब्ल्यू, तो एक्स यहाँ आ जाएगा और डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो ये पूरी की पूरी आपकी अरेंजमेंट बन जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉक्स बेस्ड पजल था, बहुत ही इजी था, इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के बॉक्स बेस्ड पजल हम कर चुके हैं जिसमें एक वेरिएबल और रहता था, साथ में कुछ ना कुछ वेरिएबल भी रहता था। इसमें तो कोई वेरिएबल भी नहीं था, बॉक्सेस भी नाइन थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन थी, तो टाइम के अंदर आराम से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने मेरे सेशंस अटेंड किए होंगे। आपने देखा होगा किस तरह से इन सवालों को अप्रोच किया जाता है। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला ये सवाल आज के मतलब 13 अक्टूबर के IBPS PO Prelims 2018 के शिफ्ट में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का अभी तक शिफ्ट हुआ नहीं है और उन बच्चों के लिए भी जिनने ऑलरेडी शिफ्ट दे दिए, क्योंकि आगे उन्हें और भी खूब सारे बैंक एग्जाम्स देने हैं। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहेंगे क्या पेपर में क्या क्या सवाल पूछे गए, पेपर का लेवल क्या था, क्या एनालिसिस रहा, वो सारे इस तरह के वीडियोज आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।